कहाँ जा रहे थे? ये क्या है इसमें? चप्पल है, कहाँ से ला रहा है? हाँ, आपको पता है संपूर्ण लॉकडाउन है, इसके लॉकडाउन में भी कहाँ से लेके आ रहा है? किस दुकान से ला? दुकान का नाम क्या? हाँ, 2500 तो लॉकडाउन के फाइन है। फी कितना है? बोलिए कौन से दुकान, नाम बताइए, किस दुकान से लेके आ रहा है? कहाँ से, कौन से जगह से लेके आ रहे हैं? कुली पारा से। दुकान खुला हुआ था? दुकान खुला हुआ था तभी लेके आए। मतलब अभी बंद हो गया वहाँ। चला रहा है 11:30 नमस्कार। लॉकडाउन का 8वां दिन और मैं हूं आमिर। अभी हम फिर से एक बार पुनः पहुंच चुके हैं कटिहार के हृदय स्थल शहीद चौक, और आप नज़ारा देख सकते हैं शहीद चौक का। तमाम पुलिस बल की तैनाती की गई है, जो आवागमन कर रहे हैं लोग सभी का जांच पड़ताल किया जा रहा है। कोई लोग बेवजह तो नहीं निकल रहे हैं? अगर बेवजह निकल रहे हैं तो क्यों, उसका जाँच भी कर रहा है। आइए हमारे साथ सर, हम उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि अभी तक कितने लोगों का चालान कटा है। अब लॉकडाउन 11 बजे से लॉकडाउन है, तो इसमें वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। नहीं मान रहे सर, कुछ लोग नहीं मान रहे, तो उसका फाइन काट रहे हैं हम लोग। फाइन काटा जा रहा है, अब तो वहाँ बताएगा वो तो। हम तो यहाँ जिले वासियों को संदेश देंगे कि भाई लॉकडाउन का अपना पालन करें, घर में रहे, अत्यावश्यक काम है तभी निकले। छोटा मोटा काम के लिए अपना वाहन नहीं चलाए, वाहन चलाए तो हेलमेट लगा के चलाए। कई लोग मेडिकल का बहाना बना के भी घर से निकल जाते हैं। हाँ, तो यही देख रहे हैं कि सभी छोटा छोटा पुर्जा लेके, किन्हीं का दांत में दर्द है, वो भी कह रहे हैं कि हम जा रहे हैं डॉक्टर साहब यहाँ, उसके बाद अपना निकल जा रहे हैं वाहन लेके, भीड़ लगा रहे हैं। सब लोग को अपना चेतावनी भी दे रहे हैं, चेतावनी भी दे रहे हैं, हम लोग फाइन भी काट रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं। आइए हमारे साथ यातायात प्रभारी सर भी हैं, हम उनसे भी जानने का प्रयास करते हैं। सर, कुछ लोग खरीदारी करने के लिए मेडिकल का कागज लेके आते हैं, क्या कहेंगे ऐसे लोगों को? देखिए, अब मेडिकल वाला कोई कहता है वैक्सीन लेने आया है, कोई कह रहा है कि पत्नी के सुइयां दिलाने चार्ज कराने आया है, उसी पर छोड़ा जा रहा है। हालांकि कागज हम लोग देखते हैं, कागज देख के कार्रवाई करते हैं, और नहीं तो बिना कागज के पकड़े जाते हैं, जुर्माना हो रही, देख रहे हैं आप लोग। सर, ऐसे लोग देखने को मिले हैं कि कुछ लोग आते हैं मेडिकल कार्ड लेके जाते हैं, लेकिन घूमने के लिए लगते हैं ना, एक बहाना के लिए वो कार्ड शो करने के लिए लाते हैं। कई दिन चली, कल है लोग है, कितना बड़ा सोता बस सीधा को देते, मारते हैं, बड़ा पिटाई करते हैं। जिले वासियों को क्या कहेंगे सर? हैं, जिले वासियों को क्या पैगाम देंगे? ना, बोलिए, हम जागरूक कर रहे हैं कोरोना के अवसर पर। हम लोग सब लोग जागरूक है, घर में रहे, 15 दिन का लॉकडाउन है, 15 मई तक रहे। सरकार का जो निर्णय है, जो गाड़ी घोड़ा चलने वाली सरकार का निर्णय छोड़ा जा रहा है, बाकी गाड़ी को हम लोग पकड़ रहे हैं। अभी गाड़ी सब बंद हो गई है, सब देखिए ना, सब टोटो टो मौसम बंद हो गया। चालक है, जो वाहन चालक आ रहे हैं, उन्हीं से उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि जो लोग आ रहे हैं कहाँ जा रहे हैं, कहीं फिजूल में तो नहीं निकल रहे हैं, या फिजूल में निकलते हैं तो क्यों निकलते हैं, हम उन्हीं से जानना चाहेंगे। आइए, क्या नाम है आपका? वीरेंद्र कुमार। आप गाड़ी जब्त किया गया? हाँ, जब्त पकड़ लिया। क्यों, कहाँ जा रहे थे आप? हम जा रहे थे, मेरा पेशेंट आ रहा था, उसको हॉस्पिटल लेके जाना। हाँ, कागज दिखाया? दिखाया उसको, मगर बोला आपको पैसा चाहिए, बोला आपको पैसे चाहिए चालान का। क्या चाहिए? लॉकडाउन का उल्लंघन करते हुए हम पकड़ेंगे। गाड़ी कागजात वगैरह सब है? सब है मेरे पास, सब कुछ है, सारा कागज। तो आपने देखा, ये आपको बता दें, इन्होंने ये कहीं पेशेंट को देखने के लिए जा रहे थे, फिर भी इनका चालान काटा जा रहा, क्या हमारा देखने वाली बात होगी? KTN न्यूज भी आपसे फिर से एक बार अपील करता है कि घर पर रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। कटिहार से आमिर खान की रिपोर्ट।